अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारिस किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड चाइना ग्रेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से। ये देखिए, मैंने 750 ml दूध लिया है, यानी पौना लीटर, और एक मैंने चाइना ग्रेस का पैकेट लिया है, 8 ग्राम का है। ये वाला लिया, ये अच्छी क्वालिटी का रहता है, अच्छा बनता है। इससे शक्कर लेंगे हम लोग टेस्ट के हिसाब से, आप जितना मीठा खाते हो ले सकते हो। मैंने एक कटोरी लिया है और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का लिया है मैंने। एकदम आसान और टेस्टी बनता है ये चाइना ग्रास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाइना ग्रास को हम इसमें पानी में भिगने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। तो अच्छे से इस तरह से भिगा कर बाद में इसमें पानी इसका इतना नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी में पकाना है। तब तक हम दूध को गर्म करके लेते हैं। देखिए मैंने दूध गर्म करके रखा है, अब इसी में से हम थोड़ा सा दूध लेके ये कस्टर्ड पाउडर का हम घोल तैयार करेंगे। देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें से लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे, दूध को उबाल आने देंगे। देखिए दूध को उबाल आ गया, तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर को थोड़ा सा भूनने देंगे। अब इसी के साथ हम कस्टर्ड जो घोल कर रखे हैं उसमें ऐड करेंगे। इसका फ्लेम लो रख के डाल देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से पहले हिला कर लेंगे, ये नीचे बैठ जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको चलाते रहेंगे 1-2-3 मिनट। ये देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक चुका है। इस तरह से पतला ही रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको बनाना है। देखिए इस तरह से, और ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। जब तक अब इसको साइड में रखेंगे और चाइना ग्रास को पका कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से पकना चाहिए। ये देखिए चाइना ग्रास को मैंने पकने रख दिया, इसमें से पानी मैंने आधा कर दिया। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी में इसको भिगने रखा था, तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम पानी वाला टेस्ट आता है पानी पानी। आधा गिलास पानी में इसको पकाएंगे, एकदम अच्छे से गलने देंगे। ये देखिए चाइना ग्रास अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए इतना गाढ़ा हो गया, तो अभी हम इसको हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड में जो हमने पका कर रखा है उसमें डाल देंगे। ये देखिए ये गरम ही है और ये भी गरम गरम ही है। गैस का फ्लेम लो करके इसमें ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करके देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 2 मिनट हम लोग अच्छे से मिक्स होने तक इसको पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये कभी कभी फट जाता है। गैस का फ्लेम लो ही रखा है मैंने, और अच्छे से इसको मिक्स होने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, हम गैस को बंद करेंगे और इसको कोई भी बर्तन में जिसमें आप सेट करना चाहो डाल सकते हो। तो इसको मैं अभी एक कंटेनर में डाल दूंगी। देखिए मैंने एक ट्रे लिया है, अब इसके अंदर हम अपना चाइना ग्लास डाल देंगे सेट होने के लिए। बचा हुआ है मैं थोड़े से प्यालियों में भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर आप इसमें जो चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जिस तरह से भी गार्निश करना चाहो। ये देखिए मैंने एक ट्रे और 2 प्यालियों में डाल दिया जो बचा था, और थोड़े से मैं इसमें बादाम गार्निश के लिए डाल दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे तो ये ऊपर ही रह जाते हैं, फिर अच्छे दिखते हैं। और इसको अभी हम लोग 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, जैसे नॉर्मल हो जाएगा। अभी ये गर्म है,
2 घंटे के बाद फिर मैं इसको कट करेंगे। ये देखिए चाइना ग्रास अच्छे से सेट हो चुका है, मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा था। अब मैं इसको आपको कट करके बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब इसको कट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना बड़ा चाहिए इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको कट करके लिया है, ये आसानी से इस तरह से निकल जाता है। आप लोग देखिए, ये देखिए कितना अच्छा हमारा चाइना ग्रास बनके रेडी है। तो चलिए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।